सब्सक्राइब कीजिए मिस केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू मिस केमिस्ट्री। तो देखो, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हॉफमैन लॉ फ्रॉम फ्री टेक रीअरेंजमेंट। जो हमारी फ्री रेडिकल की सीरीज चल रही थी उसमें ये नेमिंग रिएक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है नट के लिए भी और गेट के लिए भी, क्लियर है? तो आपको एचएस देखनी है। यहाँ पे मैं पहले आपको मैकेनिज्म करवाऊंगी, डिटेल में मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लेंगे और इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी। लेकिन ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म करवाना जरूरी समझती हूँ। वो इसलिए अगर इसका कंसेप्ट पूछ लिया जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे हॉफमैन लगेगा तो ट्रिक का आप यूज नहीं कर सकते एज इट इज। तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं मैकेनिज्म करवाऊंगी, उसके बाद हम इसकी ट्रिक भी देख लेंगे, क्लियर है? और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको ट्रिक भी पता चल जाएगी, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो लगती है, अगर आपको हेल्प करती है मेरी ये वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है? इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं इसका सारा कंसेप्ट आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। हॉफमैन लॉ फ्रॉम फ्री टेक रीअरेंजमेंट में होता क्या है, यहाँ पे कौन सा सब्सट्रेट लिया जाता है? तो देखो, यहाँ पे जो सब्सट्रेट लिया जाता है वो लेते हैं एनहैलोजिनेटेड अमीन यहाँ पे जो सब्सट्रेट होता है। और जब भी एनहैलोजिनेटेड अमीन यहाँ पे जो सब्सट्रेट होता है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, एनहैलोजिनेटेड अमीन, मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, देखो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रोजन। ये एनहैलोजिनेटेड भी है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा है, एक हैलोजन ग्रुप लगा है, तो इसलिए क्या है, ये एनहैलोजिनेटेड अमीन बन गया। अभी क्या है, अगर इस एनहैलोजिनेटेड अमीन के ऊपर 1, 2, 3 अगर फोर्थ पोजीशन पे या फिर फिफ्थ पोजीशन पे, क्या बोल रही हूँ मैं, या तो उसकी फोर्थ पोजीशन पे या फिर फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा हो, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अगर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो या तो फोर्थ पोजीशन पे या फिर फिफ्थ पोजीशन पे, जब इस सब्सट्रेट को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी ली जाती है जब इसको हीट करते हैं, एसिडिक कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन ली जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और थर्ड कंडीशन ली जाती है इसके लिए बेस, क्लियर है? जब इसको हम हीट करते हैं तो हमारे क्या बनता है, हमारा बनता है जो प्रोडक्ट, फाइव और सिक्स मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होती है, क्लियर है? यहाँ पे क्या होगी, अगर मैं यहां से काउंट करती हूँ 1, 2, 3, 4 या तो फोर्थ पोजीशन पे अगर आपको हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो आपका 5 मेंबर रिंग बनती है। अगर आपकी फिफ्थ नंबर पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपकी 6 मेंबर रिंग बनेगी, क्लियर है? इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखो, इसका मैकेनिज्म करते हैं पहले हम वन बाय वन, मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। तो देखो, पहले कौन सी ली थी मैंने, एसिडिक कंडीशन, तो ये बाद में देखेंगे, पहले एसिडिक कंडीशन ले लेते हैं। एसिडिक कंडीशन में होता क्या है इसके साथ, देखो एसिडिक कंडीशन में क्या है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो क्या होगा, तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, तो यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे आएगा ये फालतू। समझ में आ गई इतनी बात, ये क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक कर देगा एसिडिक कंडीशन में, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा और क्लोरीन इसके साथ लग जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमेशा आपको याद रखना है, ये क्लोरीन क्या करता है, ये होमोलिटिक क्लीवेज करता है। ये क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको देके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, ठीक है? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खुद ले जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक खुद लेके जाता है, ये तो क्या चला गया, सोल्यूशन में चला गया और सब्सट्रेट पर क्या आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा रेडिकल। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, एक रेडिकल, क्लियर है? जब इस नाइट्रोजन के ऊपर एक रेडिकल आता है, जब इसने देखो यहाँ पे अटैक किया तो इसपे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से यहाँ पे अटैक किया तो इसपे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसपे क्या आएगा, जब ये रेडिकल निकल गया, जब सीएन निकल गया, एक पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर पहले ही था, जब यहाँ पे क्या हुई, होमोलिटिक क्लीवेज, तो सीएन तो निकल गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, एक रेडिकल एक और प्रेजेंट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो
इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर पॉजिटिव चार्ज और एक रेडिकल, ठीक है, और यहाँ पे है हाइड्रोजन। देखो ये क्या है, 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4, फोर नंबर पे क्या लगा है आपका हाइड्रोजन, तो मैंने वही लिखा है, बस इसको इस तरीके से लिख दिया, क्लियर है। उसके बाद कौन सी कंडीशन आते हैं, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एक रेडिकल है, इसको भी मैंने क्या किया, होमोलिटिक क्लीवेज करवा दी। जब मैंने ये क्या की, होमोलिटिक क्लीवेज की, हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ही ले गया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा, ये हाइड्रोजन एज अ रेडिकल निकला है, वो क्या करेगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। बॉन्डिंग करने के बाद ये क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन और एक आर, समझ में आई आपको, ये लग जाएगा और इसके ऊपर आएगा एक रेडिकल, ठीक है जी। अब इस पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्जेस, जो रेडिकल था वो तो खत्म हो गया, अब इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा सिर्फ। अब देखो सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सोल्यूशन में प्रेजेंट है आपका सीएल रेडिकल, जो यहाँ पे मैंने निकाला था वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है ना, तो वो क्या करेगा, सीएल रेडिकल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि एक इसके पास रेडिकल है और इस एक इसके पास रेडिकल है, तो वो क्या बना लेंगे, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन आर, क्लियर है, एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लग गया एक क्लोरीन एटम, क्लियर है। अब सेकंड मेरे पास क्या प्रेजेंट है, बेस। थर्ड कंडीशन क्या थी, बेस थी ना, मैंने बताया था क्या थी आपकी थर्ड कंडीशन, एक बेस, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को जब ये लेके जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा एक आर, क्लियर, यहाँ पे आर होगा आपका सी एल, यहाँ पे क्या होगा एक सी एल। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगी एनजीपी, यहाँ पे क्या होगी एनजीपी, इसका मतलब होता है नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसका मतलब होगा जब ये रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ से निकल जाएगा सीएल, जब यहाँ से सीएल निकलता है तो यहाँ पे क्या होगा एक एच और एक आर, ये बन जाएगी आपकी रिंग, ठीक है। उसके बाद एक और बेस आया, बेस ने क्या किया, इस एच को निकाल के ले गया और यहाँ पे आपका क्या बन गया एन आर, ठीक है जी, यही है इसका प्रोडक्ट, समझ में आएगा आपको क्या किया मैंने, ठीक है जी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, तो यहाँ पे मैंने देखो दो क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, पहले ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आपके पास क्या है, यहाँ पे एन हैलोजिनेटेड अमीन दिया हुआ है और इसकी आपको देखना है कि फोर्थ नंबर पोजीशन पे या फिफ्थ नंबर पोजीशन पे इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, पहले आपको वो चेक करना है। उसके बाद आपको देखनी है कंडीशंस, यहाँ पे क्या एसिडिक कंडीशन में हो रहा है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पे तीन कंडीशन अवेलेबल है, किसकी, हॉफमैन लो फ्लोर फिटाइली अरेंजमेंट की, और यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे ट्रिक से करवाते हैं आपको, पहले 1 2 3 4, ठीक है, ये फोर नंबर पोजीशन पे आपका क्या लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बी आर। अभी मैंने आपको मैकेनिज्म करवा दिया, तो मैकेनिज्म से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन, ये प्रेजेंट है। तो मैंने क्या करा था पहले हाइड्रोजन का प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन जब इसकी रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन लग जाएगा, जब इसमें इसके पास हाइड्रोजन लगता है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या दिया, इसको लाइट दी, तो लाइट से क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन क्या निकलेगा, रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, एक रेडिकल इसके पास एक रेडिकल इसके पास, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं करवाई देती हूँ इसको मैं पहले आपको, ठीक है, होगा क्या, अभी मैंने वैसे आपको करवाया है ये सारा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं इसको। ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जो आपको दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे H लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है आपके, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा, जो रेडिकल बनेगा यहाँ पे रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, तो आप रेडिकल की फॉर्मेशन यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एच लग रहा है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लगेगा आपका रेडिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है, 1 5
हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आए रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। रेडिकल की फॉर्मेशन होने के बाद होगा क्या, पहले वैसे हम निकाल देते हैं, मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसकी। यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका एक H, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा आपका एक H, एक H यहाँ पे, H यहाँ से आ गया एक। अब देखो जो सीएल रेडिकल आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट था वो सीएल रेडिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा अटैच। अटैच होने के बाद क्या होगा, ठीक है, अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीए। समझ में आ गई इतनी बात, ये चीज हो गई यहाँ तक। अब देखो आगे करते हैं इसको, पहले आपको मैकेनिज्म से करवा रही हूँ, जिसकी ट्रिक देख लेंगे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा, नाइट्रोजन, ये बेस क्या करेगा इसको ले जाएगा, लेने के बाद क्या आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आएंगे लोन पेयर्स, यहाँ पे क्लोरीन, तो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल देंगे बाहर। बाहर निकालने के बाद तो देखो क्या बनेगी, यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगी आपकी फाइव मेंबर रिंग, इस टाइप से कुछ बनेगी, ठीक है। क्योंकि उससे क्या किया, एनजीपी हुई थी ना यहाँ पे, क्या हुई थी एनजीपी, क्या हुई थी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक होने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग की फॉर्मेशन। उसके बाद जो बेस था वो बेस क्या करेगा, बेस आएगा इसको अब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट के तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ये, ठीक है। हम सीधे भी इसको कैसे कर सकते हैं, देखो सीधा आपको ये आया है, इससे मैं बस फर्स्ट स्टेप में कैसे कर सकती हूँ, अगर एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वहां करके इसकी ट्रिक बताती हूँ अभी, ठीक है। तो देखो इसका सीधा कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, जो ये मैकेनिज्म आपको करवाया था उससे भी हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, वही आपके माइंड में सब कुछ, ये तीनों स्टेप आपके माइंड में चलाने हैं। होगा क्या, वन टू थ्री फोर, फोर नंबर पोजीशन है, इस पे है फोर नंबर पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपको करोगे क्या, वन टू थ्री फोर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा है बीआर। तो क्या होगा, वन टू थ्री फोर, फोर नंबर पोजिशन पे लगा है हाइड्रोजन, तीनों कंडीशन है, क्या करोगे यहाँ पर बनाओगे बॉन्ड, इसको बाहर और इसको बाहर, बाहर कर दोगे। बाहर होने के बाद तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपकी फाइव मेंबर रिंग की फॉर्मेशन, यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट। अब एक बात और, जो आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट है फोर्थ नंबर पर या फिफ्थ नंबर पोजीशन पे, वो स्टेरिकली अप्रोचेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन कहीं पड़ी है और बॉन्ड बना रहे हैं हम, ऐसे नहीं है, स्टेरिकली अप्रोचेबल होना जरूरी है। फोर्थ नंबर पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन के स्टेरिकली अप्रोचेबल होना जरूरी है, ठीक है, तभी हम करवा सकते हैं। अब ये जो ये वाली है ये देख लेते हैं, फर्स्ट हो गया आपका, अब ये देखते हैं। तो इसमें देखो वही आपको सेम टू सेम करना है, होगा क्या, ये प्रेजेंट है आपका यहाँ पे सीएल, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका मिथाइल, यहाँ पे आपका बैच पे प्रेजेंट है डी, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये प्रेजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, यहाँ पे बेस दे रखा था, पहले बस कंडीशन लगाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन तो क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका एच, और यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, वही है सेम, ठीक है। उसके बाद आएगा लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ये टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे एच पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा एक आपका रेडिकल, क्लियर, क्या आएगा आपका एक रेडिकल, ठीक है जी, यहाँ पे क्या आएगा आपका रेडिकल। अब आपको काउंट करना है, देखो वन टू थ्री फोर, फोर नंबर पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो स्टेरिकली भी क्या है, अप्रोचेबल है, तो हम रिएक्शन करवा सकते हैं इसके साथ। क्या होगा यहाँ से, अब देखो यहाँ से क्या होगा, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, 1,5, क्योंकि हमें नाइट्रोजन पे करवानी है ना, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा इसके साथ लग जाएगा जाके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रेडिकल, रेडिकल आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, रेडिकल, क्योंकि ये रेडिकल भी टूटा है ना, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल,
रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई, बनाने का बॉन्ड, यहाँ पे आएगा आपका रेडिकल, ठीक है, और वाइस पे क्या लगा है आपका डी। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सीएल सीएल रेडिकल। अब देखो यहाँ पे मेन स्टेप ये है, इसको रब कर लेंगे ऊपर कहूंगी, ठीक है, मेन स्टेप ये है। अब देखो ये सीएल जो होगा, जो अटैक करेगा, जो सोल्यूशन प्रेजेंट है, अब हाइड्रोजन हमने निकाला है, उसको क्या करना है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की जगह पे आएगा ना, अब हाइड्रोजन किस पे है आपका, डैश पे है, तो वो अटैक कहां से करेगा, वैज से, कहां से अटैक करेगा वो, वैज से। तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैं बता देती हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिकल आया, जब सीएल रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखो तो ऊपर कर रही हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे ऊपर कर रही हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे जब सीएल रेडिकल अटैक करेगा तो होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से कुछ है, ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज है। अब यहाँ पे क्या लगा था आपका, बैच, सॉरी, ये किससे अटैक करेगा आपका, ये क्या था, एच, ये उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, ये किस पे लगा था आपका, डैश पे लगा था, तो वो किससे ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो मतलब वो किससे अटैक करेगा, बैच से अटैक करेगा, सीएल बैच पे आएगा, और डी को किस पे कर देगा वो, डैश पे, ठीक है, क्योंकि वो किसकी जगह आ रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, उससे बैक साइड अटैक करता है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए, जब बैक साइड से अटैक करेगा, इसका मतलब अगर वो आगे वाली साइड लग रहा है तो वो पीछे से आएगा, या वो पीछे वाली साइड लग रहा है तो आगे से आएगा, अभी पीछे वाली साइड लग रहा है तो आगे से अटैक करेगा, जब आगे से अटैक करेगा तो बैच पे आ गया, अब डी को क्या कर देगा, वो पीछे वाली साइड कर देगा, मतलब वो डैश पे आ जाएगा, समझ में आ गई। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हो सकती है, और वो ऐसा भी कर सकता है कि जहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वैसे तो ये आपका जो 90% कंपाउंड है यही बनता है, ठीक है, 10% वो भी बन सकता है, जहां पर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन की जगह पे भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों इंटेंशियोमर्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और कंडीशन क्या बन सकती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेज पे क्या है आपका डी, और इस पे क्या है आपका सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये सीए लग गया, अब क्या होगा, बेस, बेस आएगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन आयन को करेगा अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका लोन पेयर्स, सही है, बस कंडीशन ले लेते हैं एक बार, सीएल यहाँ पे आएगा डी। अब क्या होगी इसकी एनजीपी, क्या हो जाएगी इसकी एनजीपी, एनजीपी होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, मैंने यही बोला था क्या बनती है आपकी, 5 मेंबर या फिर 6 मेंबर रिंग बनती है, ठीक है। 6 मेंबर कब बनेगी, जब आपका हाइड्रोजन एटम 5th नंबर पोजीशन पे है, और 5 मेंबर कब बनेगी, जब आपका हाइड्रोजन एटम कहाँ प्रेजेंट है, 4th नंबर पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करो बॉन्डिंग, तो यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, तो आप इस सीधा इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको ज्यादा नहीं करना है आप सीधा यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है जी। बैच पे क्या है आपका मिथाइल, डैश पे क्या है आपका डी, और इसका इनेंशियोमर भी आपका आ सकता है, इनेंशियोमर मतलब कैसे, ये अगर ये वाला लेती हूँ मैं प्रोडक्ट, तो आपका इनेंशियोमर क्या बनेगा उल्टा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैच पे आ जाएगा डी, और डैश पे क्या आएगा आपका मिथाइल ग्रुप। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट और एग्जाम्पल करवाती हूँ आपको। देखो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको देख के थोड़ा सा डर लग जाता है, लेकिन बहुत ही इजी है, अगर आपको ट्रिक पता है इसकी, अगर आपको पता चल जाता है ये हॉफमैन लॉफे और फिटक रीअरेंजमेंट लग रहा है, इसपे तीनों कंडीशंस देख के अगर आपको पता चलता है, देन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखो मैकेनिज्म तो नहीं करूंगी यहाँ पे, मैंने आपको सारा सिखा दिया है, मैकेनिज्म से आप खुद करके देख लेना, आपको सादा सीधे ट्रिक से बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको काउंट करना है 1 2 3 4, मैंने क्या बोला है, फोर्थ नंबर जो हाइड्रोजन होगी, अगर फोर्थ नंबर पोजीशन पे लगी है या फिफ्थ नंबर पोजीशन पे लगी है, वो स्टेरिकली अप्रोचेबल होनी चाहिए नाइट्रोजन एटम के साथ, क्या होनी चाहिए, स्टेरिकली अप्रोचेबल। तो क्या होगा, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन से क्लोरीन निकालते हैं, यहाँ पे क्या लगा आपका CH3, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से सीएल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, ठीक है। तो होगा क्या, देखो भाई चलो मैं नेक्स्ट पे यहीं पे करती हूँ, ठीक है।
समझ में आ रही है आपको करना क्या है? बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे आपका है मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक निकाल दी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका CH2। ठीक है, एक मिथाइल है और एक नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया और आर यहाँ से हो गई इसकी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आएगा प्रोडक्ट, ये आपका आएगा प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आएगा कभी ना कभी जरूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान से देखना है इसको। पूरी लिंक में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, आपका सिर्फ यहाँ पे हॉफमैन लॉफर फिटिंग अरेंजमेंट लगेगा। तीनों कंडीशन देखनी है आपको, देखना है कि हाइड्रोजन इसका स्टेरिकली अप्रोचेबल है या नहीं है। स्टेरिकली अप्रोचेबल होगा तभी आपको रिएक्शन करवानी है, नहीं तो रिएक्शन नहीं करवानी आपको। तो यहाँ 1, 2, 3 बहुत स्टेरिकली अप्रोचेबल है। यहाँ से एच निकालो, यहाँ से CH निकालो, यहाँ पे बना दो एक बॉन्ड, मैंने यहाँ बना दिया एक बॉन्ड, तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट। सीधे सीधे आप निकाल सकते हो इसका, आप मैकेनिज्म से भी कर सकते हो इजिली। अब इसके बर्तन मॉडिफिकेशन क्या है हॉफमैन लॉ फ्लोर की, वो देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो ये मॉडिफिकेशन की जो एग्जांपल है ये मैंने लिखी है, देखो बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है ये। हमें सब्सट्रेट चेंज करके दे सकता है, बाकी आपको जो भी मैंने मैकेनिज्म करवाया था, जो ट्रिक्स करवाई थी, बिल्कुल सेम है। बस ये आपको सब्सट्रेट चेंज करके दे सकता है। यहाँ पे आपको ये दे सकता है कार्बोक्सिलिक अमाइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अमाइड या फिर सल्फोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड दे सकता है यहाँ पे आपको। यहाँ पे क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ I2PHIOAC2, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, आयोडीन से। किससे रिप्लेस होगा, आयोडीन से। ठीक है, सिर्फ आपका सब्सट्रेट चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, आयोडीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, आयोडीन के साथ, डबल बॉन्डो NH I और यहाँ पे लगेगा R। क्लियर है आपको? ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो किससे रिप्लेस होगा, सिर्फ एडिशनल ये स्टेप आया है, वो बना के भी दे सकता है, बनवा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो आपको आना चाहिए यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे आयोडीन के साथ। क्लियर है? अभी एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको सब्सट्रेट दिया है, देखो फर्स्ट कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बताई है, जो हाइड्रोजन होगा वो किसमें रिप्लेस होगा आपका, आयोडीन में। किसमें रिप्लेस हो जाएगा आपका, आयोडीन में होगा क्या, डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन, ठीक है जी, यहाँ पे आयोडीन ये हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखो क्या दे रखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा, ये आपका रेडिकल में टूट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका रेडिकल में जब टूटता है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका रेडिकल आ जाएगा, आयोडीन रेडिकल आपका निकल गया बाहर, यहाँ पे आपका आयोडीन रेडिकल निकल गया बाहर, तो क्या होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल। अब देखो 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब हाइड्रोजन फोर्थ पोजीशन प्रेजेंट होती है तो मैंने क्या बोला है आपको, 5 मेंबर रिंग बनती है। अगर आपकी 5th नंबर पोजीशन पे लगी है तो आपकी 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो यहाँ पे 4th नंबर पोजीशन पे आपकी हाइड्रोजन देखनी है पहले आपको 4 पे, अगर 4 पे नहीं प्रेजेंट तो आप जाओगे 5th पे। यहाँ पे 4th पे पोजीशन पे प्रेजेंट है तो आप सीधे यहाँ से देखो बॉन्ड बना सकते हो, और यहाँ पे क्या बन जाएगी सीधी ये वाली, यहाँ पे क्या लग जाएगा सीधा ये बॉन्ड, यहाँ से बन सकता है इजिली। ठीक है, अब क्या होगा जब ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आता है तो होगा क्या, डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा आपका एच, यहाँ पे आएगा आपका रेडिकल, क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है वो टूटेगा आपका रेडिकल में, और हाइड्रोजन इसके साथ रेडिकल बनाकर यहाँ पे आएगा रेडिकल, रेडिकल रेडिकल क्या बनाएंगे बॉन्ड, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने आयोडीन रेडिकल बाहर निकाला था, आयोडीन के रेडिकल क्या करेगा यहाँ पे बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के बाद डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन, यहाँ पे एच, यहाँ पे आयोडीन, समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे क्या आएगी आपकी आयोडीन। उसके बाद बेस आएगा, बेस क्या करेगा इसको एब्स्ट्रैक्ट करके लेके जाएगा, जब इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा
जब इसको अब्स्ट्रैक्ट करता है देखो क्या बनता है, ये होगा। जब इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा इस पे क्या आएंगे, लोन पेयर्स आयोडीन, यहाँ पे क्या होगी अब आपकी एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देखो मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है, मैकेनिज्म वही है कि वही है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप इजिली कर सकते हो। यहाँ से आयोडीन बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद आपके क्या बनेगी यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग, ठीक है। नाइट्रोजन ये बन गई, ठीक है। और लास्ट स्टेप में मैंने क्या लिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, जो ये वाली पोजीशन है सी डबल बॉन्ड, ये कार्बोनियल दिया है, ये किस में चेंज होता है, देखो ये जो कार्बोनियल है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या चेंज हो जाएगा, सी एच टू में। किस में चेंज होगा, सी एच टू में। ये किस में चेंज होगा आपका, सी एच टू में, ठीक है जी। और आपका आ जाएगा ये प्रोडक्ट, इजी है ना, बहुत ही इजी है। आपको ध्यान से इसको देख लेना, ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन में सिर्फ आपका ये स्टेप एडिशनल है, वो दे बनवा भी सकता है, दे भी सकता है, तो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो ये हमारी नेमिंग रिएक्शन होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।